नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे, सवाल जवाब की इस कड़ी में। कहते हैं जो प्रथम विचार है वो हमारे दिन का आधार बनता है। हमारे जो विचार हैं उससे ही हमारा सारा जीवन निर्मित होता है। अगर मन में सुंदर विचार चलते रहते हैं तो जीवन आनंदित हो जाता है, खुशहाल, सुख से भरपूर हो जाता है। और अगर विचार बुरे हैं तो जीवन कुरूप बन जाता है, जीने लायक नहीं रहता। विचारों से ही ये दुनिया स्वर्ग बनती है और विचारों से ही ये दुनिया नरक बन जाती है। तो इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए, घर घर को मंदिर सा स्वर्ग बनाने के लिए आपके कुछ एक प्रश्न विचारों से संबंधित हमारे पास पहुँचे हैं। और आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी कहते हैं कि जो विचार है उससे हमारा जीवन निर्मित होता है, विचार हमारे जीवन की नींव है, तो वो नींव किस प्रकार से विचार नींव का काम करते हैं? विचार हमारे जीवन का आधार है जी। जब आप उठते हैं तो आपका जो पहला संकल्प होता है, पहला विचार होता है, वो पिछले दिन पर आधारित होता है जी। रात्रि जब आप विश्राम में गए तब आप क्या सोच रहे थे, जो चिंतन करते करते आप सोएंगे वैसा ही चिंतन करते हुए आप उठेंगे। तो उठते ही अगर आप अच्छे विचार क्रिएट करते हैं तो वो पूरा दिन आपके साथ चलते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम जब सोते हैं तो मोबाइल पे कुछ देखते देखते सो जाते हैं, इतना अटेंशन नहीं होता हमारा विचारों के ऊपर। लेकिन एक बार हम ज़रूर चेक करें कि क्या मैं मुस्कुराते हुए बहुत हल्के होकर सोया। अगर आप मुस्कुराते हुए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए रिलैक्स होकर के सोएंगे तो उठते ही अच्छे विचार आपके मन में स्वतः आएंगे जी। और अगर नहीं आते तो कुछ दिन तक प्रैक्टिस करें जी। जैसे कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, अच्छी फीलिंग के साथ, आज का दिन मंगलमय दिन है। लेकिन दीदी किस बिहाफ पर कहें, क्योंकि कल कुछ अच्छा हुआ नहीं था और आज भी अच्छे होने के चांसेस नहीं है, तो जब चांसेस ही नहीं है तो हम कैसे कहें कि आज का दिन अच्छा है या खुशियों से भरा है, मंगलमय है, तो कैसे कहें? जैसा सोचेंगे ना वैसा वैसा होता जाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मिक शक्ति है, जो हमारे संकल्प हैं, उनमें अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। वो यूनिवर्स की उन्हीं चीज़ों को आपको आपके समीप लाएगी। आप एक बार करके देख सकते हैं कि शुरू में तो आपको लगेगा कि हम अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रियलिटी में बदल जाता है। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो पीछे वाला चलता रहेगा जी। अच्छा होने के चांस उस पर आधारित हैं कि आपने आज मेहनत कितनी की है अपने ऊपर, मन से भी, विचारों पर भी मेहनत और कर्म में भी। अगर आप बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं और अच्छे ढंग से कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी अवश्य मिलती है और फिर जैसा सोचेंगे वैसा होगा भी, होता है। तो विचार ही हमारे जीवन निर्माण का, चरित्र निर्माण का आधार बनते हैं जी। दीदी हमारा जो दूसरा प्रश्न है, जैसे आपने भी बात कही कि सुंदर विचार होने चाहिए, तो ये सुंदर विचार पाने का स्रोत क्या है? जो पुराने भाई बहने हैं जो संस्थान से जुड़े हुए उनके लिए तो मुरली है, लेकिन नयों के लिए क्या है, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं किया, जो बिल्कुल अनजान है, उनके लिए क्या स्रोत है? जो भी नए भाई बहने हैं मैं समझती हूँ उनको भी ना एक बार अच्छे अच्छे जो स्वमान हैं उनका अभ्यास करना चाहिए। और अच्छे संग से भी अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और अच्छा साहित्य ये भी बहुत मदद करता है। जैसे महान आत्माओं की जो जीवनियाँ हैं वो आपको बहुत प्रेरित करती हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छे विचार मिलते हैं। और जो अव्यक्त महावाक्य हैं वो तो है ही हैं, तो वो नयों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है जी। स्वमान की साधना और साथ साथ अच्छी संगत रखना, पूरे दिन में भी जो आप देखते हैं सुनते हैं उसका भी विचारों पे बहुत असर पड़ता है। जो आप भोजन करते हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है। वो कैसे दीदी? क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है जी। अगर मान लीजिए कहीं अशांति में भोजन बन रहा है, परेशानी में बन रहा है, मतलब खिलाने वाले का दिल नहीं है, लेकिन हम वो भोजन कर रहे हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से वैसे ही विचार चलेंगे
क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा ही अन्न होता है। तो बनाने वाले की मनोवृत्तियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए अच्छे संघ में रहना, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दीदी, क्या ऐसा भी मैंने कहीं सुना था कि जैसी कमाई घर में आती है फिर उसका भोजन बनता है, तो वो भी बहुत प्रभाव डालता है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शुद्ध धन जो है, जो कमाई है, वो किस नियत से कमाई गई। अगर बहुतों को दुख दे करके कोई पैसा आया है तो उसका हमारी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरी गुड हेल्थ हो तो ऐसा ही धन आना चाहिए जो मेहनत से, शुद्धता से कमाया गया हो, ईमानदारी से किसी को दुख दे के नहीं। ऐसा अगर धन घर में आता है तो वो बहुत सारी अशांति, परेशानी, बददुआएं वो सब भी लेके आता है, क्योंकि उस धन को कमाने में लोगों की जो बददुआएं मिली हैं तो वो जो परिवार के सदस्य उनको दुख देती हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है जी। तो किया तो दीदी एक ने है, लेकिन वो सबने खाया तो इसलिए सबको वो भोगना पड़ता है, सबको कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है जी। दीदी, हमारा जो अगला प्रश्न है वो जानना चाहती है बहन की, बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, कुछ भी होता है तो बात एक सेकंड की होती है लेकिन बहुत लंबा लंबा सोचती हैं और पता नहीं क्या क्या सोचती हैं, तो इस ज्यादा सोचने की आदत को कैसे मिटाएं? एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद को देख पा रही हैं कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ। दीदी उन्होंने नहीं पूछा, उनके लिए किसी और ने पूछा है जी। ये भी एक डिजीज ही होता है मैं समझती हूँ, बहुत अधिक सोचना जी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी निर्णय शक्ति काम नहीं करती है जी। आप श्रेष्ठ व्यवहार की कला में भी निपुण नहीं हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो थोड़ा सा साइलेंस में रह करके ना अपने आप को रुक कर देखने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ चाहिए कि थोड़ी देर वो एकांत में बैठे और अपने विचारों पर नज़र रखें और अपने से बात करें कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर आप एकांत में जाते हैं, स्पेशली आप किसी बगीचे में बैठो, तो प्राकृतिक सौंदर्य में एक तो शुद्ध वायु आपको मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छे अच्छे पौधों को आप देखेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे, स्काई को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, तो डेफिनेटली आपके मन में कुछ अच्छे थॉट्स अपने आप भी आएंगे। तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आप अपने आप को चेक करें और चेंज करें कि कैसे चल रहे हैं मेरे विचार, और उनको बीच बीच में स्टॉप करें। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी आदत बदलती जाएगी। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज आपने सोचा तो आज कम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत अपने साथ करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को अपने ऊपर वक्त लगाना है, टाइम निकालना है, मिलेगा नहीं। जैसे कोई बीमारी होती है, डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपको रेस्ट करना, हम करते ही हैं ना फिर जी। अगर हमें मान लीजिए बैक पेन ही है तो डॉक्टर के अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीच बीच में रुकावट, थोड़ा सा पॉज देना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। तो ऐसे ही 8-10 बार अपने आप से पूछना है कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, और फिर अपने आप को कहें कि इसकी आवश्यकता नहीं तो मैं क्यों सोच रही हूँ। दीदी अक्सर तो जवाब यही आता है, ज़रूरत नहीं है, हम अनावश्यक सोच रहे होते हैं। तो ये अपने साथ प्यार है कि जब आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि मेरी चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर धीरे धीरे जब आप बार बार चेक करें और फिर चेंज करें, जो विचार चल रहा है ना, हावी हो रहा है, उसको बदले भी सही। जैसे मान लीजिए अब कल मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे 10 बजे जाना है और फाइल लेके जानी है। अभी एक साधारण और एक आवश्यक विचार है, साधारण भी है और आवश्यक भी है कि कल 10 बजे जाना है तो फाइल लेके जानी है। अब एक बार प्लानिंग करना तो अच्छी बात है कि हमें लेके जानी है, लेकिन अगर यही विचार बार बार हर घंटे में आ रहा है, कल मुझे 10 बजे जाना फाइल लेके जानी है, 10 बजे जाना फाइल लेके जानी है, 10 बजे जाना फाइल लेके जानी है, अब वो जितनी बार आप सोच रहे हैं तो यहाँ कौन सी फाइल आपकी क्रिएट हो रही है, तो ये अनावश्यक विचार में बदल जाता है। था तो वो इम्पोर्टेंट लेकिन अब वो अनावश्यक में बदल गया। तो यहाँ अपने आप को एक बार प्रोग्राम देने के बाद फिर आपको अपने आप को सेट कर लेना है, वक्त पर फिर वो चीज़ याद आ जाए जी। दीदी अक्सर ऐसा होता है कि एक काम हमें करना है, उसके बाद 5-6 काम करने, तो बस वही चलता रहता है कि उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, ये करना, और बस इसी में ही टाइम और एनर्जी सब वेस्ट होता है, क्योंकि जब हम सोच रहे हैं तो टाइम एनर्जी भी लगता है, तो सब वेस्ट चला जाता है। तो दीदी इसकी जगह हम अच्छा विचार क्या ला सकते हैं, इसे कैसे चेंज? अच्छा विचार लाने का मतलब ये है कि ये कार्य तो मुझे प्रेम से करना है,
अपने कार्यों में ना प्रेम शामिल करें। जैसे मैंने देखा, जो काम हम खुशी से करते हैं ना, हम उसमें कभी थकते नहीं। अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है, सात्विक शुद्ध स्नेह नहीं है, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, अक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और इस तरह से निपटाने जैसे काम करते हैं, अगर हम खुशी खुशी करेंगे तो हम थकेंगे नहीं। तो खुशी खुशी अपने से प्रेम रखते हुए एक अच्छा विचार क्रिएट करें कि मुझे जो काम करना है वो बहुत प्यार से करना है, सोचना है तो अच्छा सोचना है, क्योंकि अच्छी सोच से मुझे कितने फ़ायदे हैं सोच के देखिए। एक अच्छा विचार आपको एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट बना सकता है। एक कमज़ोर विचार आपको धराशायी कर सकता है, सुला सकता है ना। दीदी, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आप ऊंचा सोचे, बड़ा सोचे, तो बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो हमें बड़ा सोचना है, सबके लिए सोचना है, शुभ सोचना है। दीदी, आजकल जैसे देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी गई, बीच में कुछ कम रही, फिर आ रही है, तो ऐसे में देखा गया कि लोग तनाव में बहुत रहने लगे हैं। तो तनाव मुक्त रहने के लिए कौन से विचार हम अपना सकते हैं? जो सच में तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें ना खुशियों के विचार सुबह से अपने आधार बना ले रहे हैं जी। जैसे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझे हर कार्य खुशी खुशी करना है, किसी को खुश करने के लिए नहीं। अपने जीवन का एक सिद्धांत बना ले, मैं जो करूँगी वो खुशी खुशी करूँगी। दीदी, आपने एक लाइन कही कि हमें खुशी से करना है, किसी को खुश करने के लिए नहीं। लेकिन मुझे लगता है दीदी, हम यही कर रहे हैं कि किसी को खुश करने के लिए, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो घर में। और होता क्या है कि ना तो वो ही खुश होते हैं, बिल्कुल दीदी, ना हम खुद हो पाते हैं, क्योंकि हमने खुशी से किया ही नहीं था, हमने उनको दिखाने के लिए किया था। तो ना तो वो खुश हुए, ना हम हुए, तो वो फिर एनर्जी नहीं बनती ना इंसान में। मतलब हम एनर्जेटिक तब रह सकते जब हमने उन कार्यों को खुशी खुशी किया है, खुश करने के लिए नहीं किया। हमारी इंटेंशन क्या है ये बहुत महत्व रखती है। और अगर हम चाहते हैं कि मैं तनाव मुक्त ज़िंदगी जीऊं, तो कुछ कुछ असूल बना लेने चाहिए, जो मैं पर्सनली खुद अप्लाई करती हूँ कि एक तो जिससे भी मिलो ना उसकी अच्छाई देखो और अप्रिशिएट करो। दीदी, हमें अच्छाई नज़र ही ना आए देखेंगे तो दिखेगी, लक्ष्य होगा ना कि जिससे हम मिले हैं मैंने सीखना है। हर नेगेटिव बात से भी सीखना है, नेगेटिव से भी पॉजिटिव सीखने की कला होती है जी। तो हम देख तब सकते हैं जब हम उसकी इम्पोर्टेंस पता हो। और सवेरे ही ना अमृत वेले से कुछ अपने असूल बना लेने चाहिए कि आज का दिन मैंने सबके गुणों को देखना है। तो उससे मैंने देखा है कि लाइफ काफ़ी पीसफुल हो जाती है। ठीक है, किसी की कोई कमी नज़र आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि आँखों पर पट्टी बांधी है, पता ही नहीं चलेगा। पता तो चल ही जाता है, सबका पता चल जाता है, अपना भी पता चल जाता है, दूसरों का भी। लेकिन अगर आपको खुश रहना है तो ये एक बहुत सुंदर मंत्र है कि आप अच्छाई को देखें भी सही और अप्रिशिएट भी करें और कहें भी सही कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने देखा कि एक दिन क्लास चल रही थी तो क्लास में चेयर्स कम थी, तो एक बहन जो प्रतिदिन क्लास में आती, उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग माता जी प्रवेश कर रही हैं, फटाफट उसने अपनी सीट छोड़ी और बड़े प्यार से उनको बिठाया। मुझे आज भी वो दृश्य याद है, हालांकि ये चीज़ उसको कही नहीं गई थी लेकिन उसने अपने मन से की। तो इस तरह से करके भी ये भी एक अच्छी वैल्यू थी ना कि उसने अपनी योग्यता को भगवान के कार्य में यूज़ किया कि मैं, मेरे पास इस समय एक चीज़ है, ये चेयर मेरे पास है, अगर मैं दे दूँगी तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो उन माता जी जो बैठी थी उसने भी पहले उसको दुआ दी, ठीक रहो बेटा, खुश रहो बेटा, और वो नीचे ही बैठी पालथी लगा के। और नीचे जब बैठी तो उसने बाद में भी कहा, कहते मुझे ना अच्छा लगता है इस तरह से, क्योंकि घर में भी जो बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं, तो वो ये देखने वाली आँख चाहिए कि ये विशेषता बहुत अच्छी है, ये गुण बहुत अच्छा है। अगर हमें खुश रहना है तो हमें सबके गुणों को देखना है, गुण चोर बनना है। मैंने देखा कईयों के अंदर ना भोजन बनाते समय वो मुस्कुराते हुए बना रहे होते हैं जी। तो सामने वाले को भी भूख अच्छी लगती है, उसको खाना अच्छा लगता है, तो ये अच्छी विशेषता है। ऐसे कईयों के अंदर विशेषता होती है कि वो बहुत सारे कार्य में भी ना सरल रहते हैं और वो इरिटेट होके नहीं बोलते हैं जी। और इसके विपरीत भी होते हैं, थोड़ा सा करेंगे, इतना गाएंगे, थोड़ी सी बीमार हो जाएंगे, इतना सुनाएंगे, बहुत चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा हेडक हो गया तो वो जब तक दूसरे के हेडक ना कर दें वो छोड़ेंगे ही नहीं। तो हर तरह के लोग मिलते हैं। अब हम किस चीज़ के खरीदार हैं ये हमें देखना है। दिखेंगी तो दोनों चीज़ें आपको, पर हमें क्या लेना है ये हमारे ऊपर है।
तो अगर मुझे तनाव मुक्त रहना है, मींस खुश रहना है, तो उसके लिए मुझे एक तो सबके गुणों को देखने की आदत बनानी है, और दूसरा मुझे बहुत इजी रहना है। सुबह से लेकर के मतलब जीवन एक रण क्षेत्र है, एक से एक बात आती रहेगी, लेकिन आप कितनी जल्दी उसको छोड़ सकते हैं बात को, ये आपकी एफिशिएंसी है। बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी को समाप्त कर देना। अब एक बात को आप 10 वर्षों तक खींच ले, एक वर्ष तक खींच ले, एक मास तक खींच ले, एक घंटे तक खींचे, ये आपके ऊपर है। तो अगर मुझे ये असूल बनाने हैं तो उसके लिए मुझे सुबह सुबह उठ करके पहले बाबा के सामने बैठकर सच्चे दिल से संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है। बहुत काम आती है प्रतिज्ञा, कि आज का दिन मुझे सबके गुणों को देखना है, मुझे सरल रहना है, मुझे मुस्कुराते हुए हर काम करना है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि जो बात आप अपने एंगल से देखते हो ना, वो दूसरे के एंगल से ज़रूर देखो। एक व्यक्ति हर रोज़ आपके सामने हाँ जी करता है, आज वो किसी काम में ना जी बोल रहा है, ज़रूर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, कुछ तो कारण होगा। हम अपने एंगल से तो देखते हैं, मैंने इसको कहा, इसने माना नहीं, पर क्यों नहीं माना, एक बार तो देख लेना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं मतलब राइट आपका वो होना चाहिए नज़रिया, जिसको हम कहते हैं। मतलब अगर आपका वो ठीक नहीं है ना नज़रिया, तो बहुत जल्दी जल्दी हम रिएक्ट कर जाएंगे और फिर दूसरे की भी मनोस्थिति को ख़राब कर देंगे। अगर रियलिटी में आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो ज़रूरी है दोनों एंगल से देखा जाए। दीदी, आजकल छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है। आज ही किसी भाई से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया, वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने बताया कि उनके जो वर्कर्स हैं वो काम पर नहीं आए, तो इस वजह से मूड ऑफ हो गया उनका। तो ऐसे मूड ऑफ ना रहे और मूड हमेशा चीयरफुल रहे, तो उसके लिए वो क्या करें? अब वर्कर्स आगे भी ऐसा हो सकता है कि काम पर ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम में ना ताकत की थोड़ी सी कमी है। अगर हम में शक्ति होगी ना, तो हम सामने वाले को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं वो ये सोचते हैं कि वो काम पे नहीं आए, उनके बारे में ही सोच रहे हैं, अगर उनको ऐसा होता, इतनी ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस होती, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर बन सकते थे बेचारे। लेकिन अगर वो सेवा कर रहे हैं, तो जितना उनका IQ है वो उतना ही काम कर रहे हैं। अगर वो कभी नहीं आते हैं या मैसेज नहीं देते हैं, उनकी वजह से हम अपसेट हो जाते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें सोच के चलनी है कि जीवन में ये सब होगा। जिन लोगों ने आपको टाइम दिया, हो सकता है वो ना आए, उनकी वजह से आपका रूटीन ऊपर नीचे हो जाए, तो उनको भी आप इजीली कितना एडजस्ट करते हैं। दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन, कि आप बहुत ईजी रहें और मूड ऑफ ना करें। आप अपने मूड के हम राजा नहीं हैं, तो फिर बाकी अन्य पर राज करने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। अक्सर हम सुनते स्वराज्य अधिकारी, तो हम कार्य करें, जिनको समझाना है समझाएं, रियलाइजेशन भी कराएं, पर एक दिन में एक ही बार, एक दिन में कई बार करते रहेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, वो कहेंगे पीछे ही लग गए, वो कहेंगे पीछे ही लग गए। हाँ जी बिल्कुल, वो कहते नहा धो के पीछे पड़ गए हैं। जी, तो ये चीज़ है। दीदी, हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत ही अच्छा है, जैसे एक बहन ने पूछा है, क्योंकि ये चीज़ें भी आजकल बहुत बढ़ रही हैं, कि वो बहन किसी से भी मिलती है, किसी भी नए भाई बहन से मिलती है या कहीं बाहर भी जाती है, तो उसे बहुत डर लगता है, तो वो उस डर से कैसे छुटकारा पाए? अभी वो BA कर रही हैं और ये समस्या उनको काफ़ी टाइम से चल रही है कि किसी से भी मिलती है, जैसे उन्होंने कॉलेज में भी जब एडमिशन लिया था तब भी उनको ये दिक्कत थी, लेकिन अभी ये दिक्कत और बढ़ रही है। जैसे भी कोरोना का जो हाल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दूर रहना है लोगों से, तो पहले से इनके अंदर वो डर था, अब और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस डर से कैसे मुक्ति पाए? डर भी एक तरह से विकार है। डरने के लिए कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। हाँ जी, तो अपने डर को समाप्त करने के लिए उनको अंदर से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है जी। और वो तब बन सकती हैं जब वो ये याद करेंगी कि मैं शिव शक्ति हूँ। पहले तो इस स्वमान को लिखें और चिंतन करें कि मैं शिव शक्ति हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। दूसरा, कोई पूर्व जन्म का अकाउंट भी हो सकता है, तो उन्हें सुबह शाम क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। किन से? विश्व की आत्माओं से, कि मेरे वजह से किसी को भी कष्ट पहुंचा हो तो मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ, और अपनी गलतियों की क्षमा भी ले लें। ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है कि हम क्षमा दान और क्षमा याचना दोनों कर लें, और ये स्वमान अच्छे से अनुभव में लाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान
निर्भय आत्मा हूँ। डर के पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है, उसको भी डिटेक्ट करें कि क्या रीज़न है। कोई प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो मैंने अपने बड़ों से छिपा रखी हो, बताई ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने किसी से शेयर नहीं की। तो ऐसे में अपने माता पिता को एक फ्रेंड समझते हुए जो बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक अच्छा अनुभव है, उनसे छिपाए नहीं। अगर बता देंगे तो भी आपका डर निकल जाएगा, और अगर अज्ञात भय है, अज्ञात है, तो उसके लिए क्षमा याचना वाला योग करें। क्षमा ले भी ले और दे भी दे, और याद रखें कि शक्तिशाली लोग माफ़ करते हैं और कमज़ोर लोग बदला लेते हैं। मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मुझे खुद को बदलना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। लगातार आप कहीं पर जाते समय अगर अभ्यास करते हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ, तो आपकी सोई शक्तियाँ जाग उठती हैं और भय समाप्त हो जाता है। यदि हमारा अगला प्रश्न जो भाई का है कि कोरोना से पहले उन्होंने अपने एक फ्रेंड से पैसे लिए थे ब्याज पर, और क्योंकि कोरोना हो गया तो जो बिज़नेस के लिए पैसे लिए थे वो बिज़नेस उनका काम नहीं कर पाया, तो ब्याज बढ़ता गया, और अभी जब दोस्त लेने आता है तो पैसे नहीं हैं, इस वजह से दोस्ती भी टूट गई है और ब्याज बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो राजयोग से कोई मदद मिल सकती है कर्ज मुक्त होने में? राजयोग हमें यह सिखाता है कि ऐसी परिस्थिति में भी ना, सबसे पहले अपनी मनोस्थिति को आप स्टेबल बनाएं, आप अंदर से कभी भी वो ना हो, कमज़ोर ना बने, हलचल में ना आए। जब आप ठीक हैं तो आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, और एक अच्छे स्वमान में टिके कि भगवान मेरे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत करके अपने कार्य को बढ़ाएं, कार्य अच्छा करने की कोशिश करें, अपने कार्यों को बाबा को समर्पित करें। भले ही वो लौकिक कार्य हैं, लेकिन जब आप नियत से करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अंदर से हमारे मन में होना चाहिए कि मैंने जिससे जो लिया वो मुझे लौटाना अवश्य है, हमारी नियत खराब ना हो। कई बार नीतियाँ अच्छी होती हैं पर नियत ही खराब होती है, देना ही नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं और आप मेहनत करते हैं तो अवश्य आपको मदद मिलेगी। फिर इसमें कोई स्वमान के अभ्यास भी कर सकते हैं वो? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करें, और राजयोग में अमृत वेला बहुत अच्छा योग करें, तो उससे आपके अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी और बाबा आपको टचिंग भी देंगे क्या क्या करना और कैसे करना है। राजयोग हमें सेल्फ स्टेबिलिटी में बहुत मदद करता है और कार्य को सुचारू रूप से करने की ताकत देता है। यदि हमारा अगला प्रश्न है, बाबा की मुरली में अक्सर एकांतवासी बनने की बात आती है, लेकिन सब घर में है तो सबके बीच में रहते हुए एकांतवासी कैसे बने? तो एकांतवासी बनने का मतलब ये कि कहीं बाहर चले जाना है किसी अकेली जगह पर, या सबके साथ रहते हुए, तो ये कैसे हो सकता है? दोनों एकांत का अपना अपना महत्व है। जब आप वैसे भी कहीं एकांत में बैठ जाते हैं जहाँ शोरगुल नहीं है, जैसे घर की छत पर बैठ गए, कोई नहीं देख रहा, आप आसमान की ओर देख रहे हैं, तो वो बाह्य रूप से एकांत है। लेकिन जो सही एकांत है वो मन का है, कि सबके बीच में होते भी आप बिल्कुल अकेले हो जाएं और ये महसूस करें कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। एक के अंत में खो जाना, एक के गुणों में एकाग्र हो जाना, वो एकांत है। बाह्य रूप से भी एकांत होनी चाहिए, कभी कभी वो भी लें, नहीं तो सबके बीच में होते हुए भी मन से एकांत की प्रैक्टिस शुरू करें। जो अंतर्मुखी होता है उसको ही एकांत अच्छा लगता है, लेकिन एकांत में भी करना क्या है वो ज़रूर स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कई बार हम मुख से मौन रख लेते हैं और मन में बहुत चलता रहता है, तो वो मौन नहीं होता। ऐसे एकांत में होते भी अगर आप बहुतों की तरह बुद्धि योग भटक रहा है तो वो एकांत नहीं है। तो तन से भी एकांत हो, मन से भी हो। दीदी, एकांत और अकेलापन, क्या ये अलग अलग है दोनों या एक ही है? अकेलापन तो लोनलीनेस फील करना है कि मेरा कोई नहीं है, और एकांत में तो आप आनंदित होते हैं ना, आपको सुख मिलता है कि मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ, ईश्वरीय गोद में हूँ, उसमें व्यक्ति सुख अनुभव करता है। और अकेलेपन में व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करता, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन एकांत में तो आप भगवान से बातें करते हैं,
उसकी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। एकांत में अपने आप से मुलाकात होती है, और जो अकेलापन है ना, वो खुद से मुलाकात होती है ना दूसरों से मुलाकात होती है। तो हमें एकांतवासी बनना चाहिए। तो दीदी, हम एक एक दो दो मिनट की भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एकांतवासी बनने के लिए? हाँ, हर घंटे में एक मिनट करो तो वो बहुत ही अच्छा है। और उस समय एक मिनट में हमें क्या सोचना है, क्या करना है? उस समय ना अपने आपको यहाँ भ्रिकुटी सिंहासन पर चमकते हुए सितारे के रूप में देखें, और ये फील करें कि मैं सबके बीच में होते हुए बिल्कुल शांत एकांत हूँ। और 3 सेकंड 4 सेकंड तक अपने मस्तक में चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को देखें, तो उससे बहुत सुख मिलता है। दीदी, आज आपने बहुत ही सुंदर जवाब सभी को दिए हैं, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, बहुत सुंदर प्रकाश आपने डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री बाबा का। तो आप सभी ने जाना कि सुंदर विचारों से जीवन सुगंधित हो जाता है, और ये सुंदर विचारों का बगीचा आपको स्वयं ही लगाना भी पड़ेगा और इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन हमें अपने मन को सुंदर विचारों से, सुंदर विचारों की खुशबू से भर देना है। ये सुंदर विचार अगरबत्ती की तरह काम करते हैं कि अगरबत्ती को अगर कूड़े के ढेर पर भी लगाया जाए तो वो वहाँ पर भी खुशबू देती हैं और उस स्थान के वातावरण को खुशनुमा बना देती है। तो हमें अपने मन में सुंदर विचारों की अगरबत्ती को जला करके रखना है। आपके प्रश्नों का जवाब देने का भरसक प्रयास किया है, अभी भी बहुत से प्रश्न बाकी हैं जिनका जवाब हम अगली कड़ी में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके और भी जो सवाल जो आप हमसे जानना चाहते हैं, आप हमें वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 9050740354। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है bkhuda176@gmail.com। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति।